गड्डी रोक। क्या हुआ पापा जी? गड्डी रोक। कौन आ गया? गड्डी रोक। क्या हुआ? मुझे पुत्र, माता का मंदिर, इस माता की दुआएं हर दुआ से बड़ी होती हैं। ने कोई साथ दे या ना दे, ये माँ हमेशा साथ खड़ी रहती है। अच्छा पुत्र, इस माँ का आशीर्वाद ले। माता दे। नहीं यार, खुतिया मुझे फिक्र पता किस बात की हो रही है। क्या? तेरी मां राणो बहुत जिद्दी है। उसको इतना मना किया लेकिन उसके बावजूद भी वो कोर्ट में आ रही है। तो डैड आने दो ना, माता का चमत्कार वो भी देख लेंगे। है माता जी। जय माता दी। हे माता रानी, आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आ जाओ, किसी रूप में कर दो कोई चमत्कार, दिला दो मुझे मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरी तनुजा, प्लीज मां। मायरा, तुमने मम्मा को देखा क्या? नताशा, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आपको चाहिए? अरे मैं मम्मा के बारे में पूछ रही हूँ। अरे बेबी, मम्मा को ना एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। खाओगे आप? मम्मा। अरे प्रिंसेस, क्या हुआ? पहले पापा को हगी तो दो, गुड मॉर्निंग वाली। कोई गुड मॉर्निंग नहीं पापा, पहले आप मुझे बताओ कि मम्मा कहाँ है। बेटा, पापा ने बताया था ना, आज पापा मम्मा को आपके स्कूल जाना है, वो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस वाली टीचर से मिलने, बताया था। हाँ ब्रो, टेक दिस इज योर जूस। थैंक यू। अच्छा लिसन, वी गोइंग इन योर कार ना, राइट? हाँ। अच्छा सुनो ना, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है सर। एक सेकंड। पापा झूठ बोल रहे है, तो कहा था कि पापा पापा की स्टडी खत्म हो चुकी है, और मुझे पता है ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस वाला ऐसा कोई स्कूल नहीं दिया, तो फिर पापा कहाँ जा रहे? मुझे पता लग रहा होगा, और कैसे? पता नहीं आज कोर्ट में क्या फैसला होगा, या तो डिवोर्स नहीं होगा जो ऋषि चाहता है, और शायद अब कहीं ना कहीं मैं भी चाहती हूँ। पर अगर डिवोर्स हो गया तो शायद हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। तनुजा, चलें। तो सही कहा था, इतने सारे लोग और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में, तो इसका मतलब ये स्कूल ही है ब्लैक एंड व्हाइट वाला। वहाँ पर ही इतने सारे टीचर्स हैं। ऋषि अभी तक नहीं आया? अच्छे वो नहीं आया, आज फिर से डिवोर्स डेट पोस्टपोन हो जाएगी, और इस बार मेरी कोई गलती भी नहीं होगी। अगर आज मिस्टर ऋषि नहीं आए तो कोर्ट से उनके नाम समन जारी होगा, और हो सकता है उन्हें सजा भी हो जाए। देखिए क्या होता है।
सीटेड। इस डिवोर्स केस का फैसला अदालत के पास पिछली सुनवाई पे महफूज रख लिया गया था, इसलिए आज कोई सुनवाई नहीं होगी, अदालत फैसला सुनाएगी। माय लॉर्ड, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट। माय लॉर्ड, मिसेस तनुजा से एक बार फिर से पूछ लिया जाए कि उन्हें ये डिवोर्स चाहिए कि नहीं। ये क्यों किया ऋषि तुमने, ऐसे सबके सामने? तुम जानते हो सबके सामने मैं ना नहीं कह सकती तुम्हें, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है तुम्हें ना कहकर। क्योंकि तुम्हारी हर ना में हाँ होती है, मिलने की गुंजाइश होती है। फिर आज तो फैसले ही खड़ी है तनुजा, और सबके सामने है। मैं जानता हूं आज तुम ना नहीं कहोगी। ठीक है, बैठ जाइए आप। यूं तो कोर्ट अपना फैसला कभी नहीं बदलता, पर डिवोर्स के केस बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए मैं एक बार फिर मिस तनुजा से पूछना चाहती हूँ कि आप डिवोर्स चाहती हैं या नहीं। आप कटघरे में आ जाइए। अदालत ये जानना चाहती है कि आप मिस्टर ऋषि सिंह बेदी के साथ एक छत के नीचे सच में नहीं रहना चाहती। क्या आपको सच में अपने पति मिस्टर ऋषि सिंह बेदी से डिवोर्स चाहिए? जी वो एक्चुअली वो मैं मेरे पास और कोई मतलब चाचा मैं ये डिवोर्स चल छोटी नताशा तुम यहां कोर्ट में? नताशा बच्चा यहाँ क्या कर रहे हैं आप कोर्ट में नहीं आ सकते? मेरी मम्मा झूठ बोल रही है, ये बस ये सबके साथ रहना चाहती है। क्या ये आपकी बेटी है? जी। आप इनसे क्या पूछ रही है? मेरे से पूछिए, मुझे सब कुछ मालूम है। ये लोग मेरे से झूठ बोलते हैं, ये लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते, इसीलिए मैं देखते आई इनका स्कूल डिक्की में बैठ के। आप ब्लैक एंड व्हाइट वाली प्रिंसिपल हो ना? यहाँ पे देखा तो सब लोग ब्लैक एंड व्हाइट यूनिफॉर्म में, ऐसा क्यों? मुझे लगा ये सच्ची में स्कूल है। यहाँ आके देखा तो सब्जी, आप सबको डराती हो ना? फिर सब लोग वैसा ही करते हैं जैसा आप बोलती हो, है ना? ऐसा ही है ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैंने सबसे पूछा था, उन्होंने बोला कि आपके कहने पे सब कुछ होता है ना? कौन क्या करेगा और कौन नहीं करेगा, अब आप वो करो जो मैं चाहती हूँ। मैं मम्मा और मिस्टर सबके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज द प्रिंसी प्लीज।
ठीक है, आप सब बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। ये डिवोर्स केस अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा, एक छोटी सी बच्ची भी है इस रिश्ते में, और बच्चों को पूरा हक है अपने पिता के साथ रहने का। तो इस बच्ची की भलाई के लिए मैं मिस्टर ऋषि सिंह बेदी और तनुजा को एक मौका और देती हूँ। एक आखिरी फैसला लेने का, इसके लिए अदालत फैसला सुनाती है कि दोनों को 6 महीने तक एक साथ एक छत के नीचे रहना होगा। 6 महीने बाद भी अगर दोनों में सुलह नहीं होती है तो ये डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। पर एक बच्ची की भावनाओं की कदर करते हुए मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को एक मौका जरूर देना चाहिए। मिसेस तनुजा, आप कल से मिस्टर बेदी के घर रहेंगी और कोर्ट आप दोनों का ये डिवोर्स रिजेक्ट कर। Yes, कहाँ जा रही है, इधर आइए, give me hug. जो बात इतनी मुश्किल लग रही थी, जो तुमसे भी बोली नहीं जा रही थी, वो हमारी बेटी ने बोल दी। सच कहूं तो हमने इसे जन्म दिया, पर आज इसने हमें एक नया जन्म दिया है तनुजा। पर एक बच्ची की भावनाओं की कदर करते हुए मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को एक मौका जरूर देना चाहिए। मिसेस तनुजा, आप कल से मिस्टर बेदी के घर रहेंगी नेत्रा। आप तो बहुत खुश होंगे, हमेशा कहती थी कि श्री तनुजा को कभी नहीं छोड़ूंगा। देखिए ना, आज कोर्ट ने कह दिया दोनों को साथ में। नेत्रा बेटा प्लीज चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, मुझे अकेले रहना। नेत्रा एक मिनट, कंचन जाने दे उसे, आज उसे अकेला छोड़ दो, वो तुम्हारे रुकने से नहीं रुकेगी। उसका दिल टूटा है, उसे रोने दो, जितना रोएगी ना उससे दिल हल्का हो जाएगा। जरा अभिषेक और नेत्रा दोनों का दिल टूटा है, और जब दिल टूटते हैं ना तो दिल, जिंदगी, उम्मीद सब कुछ टूट जाते हैं।
एके जी, तू तू यहां सड़क पर आ गया, क्या हुआ? घर बार मंगलाकार सब बिक गया क्या, या फिर तूने भी कोई घोटाला किया है? ए! मुझसे बदतमीजी से बात करेगा? यू ब्लडी नो, नो ब्लडी नो, आई एम अ डिग्री होल्डर, पढ़ा लिखा एमबीए, शिव सावंत, पहचाना? जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। तेरी औकात क्या है जो तुझे पहचानूंगा? एक नंबर का घटिया इंसान और चीटर है तू। ए, मैं चुप हूं तो तू गाली देगा क्या? धमकी दे रहा है मुझे? मेरी कंपनी से चोरी की तूने, घोटाला किया तूने, लोगों का पैसा चोरी किया, इन्वेस्टर्स का पैसा चोरी किया, पुलिस ने तो तुझे अरेस्ट किया था ना, छोड़ कैसे दिया? तो जैसे घटिया इंसान को तो ना जेल में सड़ना चाहिए। तेरा सपना टूट गया, मैं तो कब का जेल से छूट गया। लिसन, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, चले यहां से, वरना जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये तू नहीं, तेरी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़ के गई। मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से, क्योंकि तू बेईमान इंसान है, एक नंबर का चोर है तू। हाँ, मैंने चोरी की अपनी बीवी, उसकी खुशियों के लिए मैंने चोरी की, और तूने मुझे जेल में डाल दिया, इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ तूने बर्बाद कर दी, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या करेगा, बदला लेगा? बदला लेगा तू मुझसे? बदला लूंगा। हाँ बदला लेगा, लेके दिखा। उधर ही रहे जमीन पे, वरना जान से मार दूंगा तुझे। आज नहीं, तेरा तो पहले मैं मुहूर्त निकालूंगा, और फिर सही टाइम और सही जगह पे अटैक। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.